Good morning. Today's topic is moving coil galvanometer. First of all, in the earlier class 10, we have learned about the galvanometer that will read the very small current, electric current. That means, अभी हम लोग यहाँ पर moving coil galvanometer देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि how it works. Galvanometer that हम लोग जान रहे हैं कि galvanometer is a device which measure very small electric current. Galvanometer is a device which measures. देखो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं measures very small electric current is the galvanometer. Measures very small electric current means of 1 milliampere or very small current. And galvanometer is based on, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं moving coil galvanometer. ये दो तरह से हम लोग देखते हैं, that is the DC galvanometer हमको पढ़ना है. So DC galvanometer ये दो टॉप टाइप्स में हम लोग देखते हैं, एक मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग क्वाइल, क्वाइल बोलो या आर्मेचर बोलो सेम है, और आर्मेचर. एंड सेकंड वन इज द मूविंग मैग्नेट. और मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर भी दो फॉर्म में हम लोग देखते हैं. वन इज द सस्पेंडेड टाइप, दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरस ब्रांच, ठीक है. और अनदर वन इज द पेविटेड टाइप. तो ये फॉर्म है जिसको हम लोग देखते हैं यहां पर, पाइवेटेड. तो ये डीसी गैल्वेनोमीटर को देख लें. अब देखो प्रिंसिपल किस पे ये बेस्ड है. तो यहां पर हम लोग देखें गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. तो सिंपल वे में हम लोग बता सकते हैं कि यहां पर टॉर्क एक्ट कर रहा है, टॉर्क है. एंड दैट ड्यू टू द टॉर्क व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, सो करंट मूव्स इन ए क्वाइल, इट ट्विस्ट, इट मूव अकॉर्डिंग टू द फोर्स एक्टिंग ऑन आइदर ऑफ द आर्म. तो ऐसे में क्या होगा कि क्वाइल टर्न करेगा, मींस द टॉर्क विल प्रोड्यूस्ड. सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑन विच इट बेस्ड. और जब ये टॉर्क मूव करेगा तो पहले तो आप ये जानिए कि प्रिंसिपल क्या है. दैट इज प्रिंसिपल एंड दैट इज द करेंट कैरिंग क्वाइल इन is placed in the uniform magnetic field. It experiences a torque. क्या बनाता है? Torque produce करता है. और that is the deflection produce होगा फिर. और इसी तरह torque के चलते यहां पे क्या है, हम reading को measure करते हैं. तो principle क्या हो गया, it experiences the torque. Now दो बात आपने जाना कि ये suspended type है और डीसी गैल्वेनोमीटर को हमको पढ़ना है. दूसरा बात किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल क्या है. तो प्रिंसिपल आपने देखा कि दैट प्रिंसिपल इट एक्सपीरियंसेस द टॉर्क एंड इफ दैट इज ड्यू टू द टॉर्क इट शो द रीडिंग. अब कैसे रीडिंग शो करता है, इससे पहले देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. कंस्ट्रक्शन क्या है, तो आप यहां देख रहे हो कि ये मैग्नेट है एंड दैट मैग्नेट इज जस्ट लाइक ए सिलेंड्रिकल फॉर द क्वाइल, क्वाइल के लिए वो सिलेंड्रिकल है और रेडियल कंपोनेंट है, मतलब रेडियल मैग्नेट
दिस इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यहां दिखा रहे हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो यहां पे क्या देख रहे हैं कि आपका मैग्नेट फिक्स्ड है और क्वाइल रोटेट कर रहा है, मूविंग ऑफ द क्वाइल है, क्वाइल रोटेट कर रहा है। और ये क्या है, मैग्नेट क्या है, परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कह सकते हैं, परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब ये दोनों बात आप देख रहे हो, परमानेंट भी है और रेडियल कंपोनेंट है। रेडियल कंपोनेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हमेशा परपेंडिकुलर टू द करंट शो करेगा, माने मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो इन द क्वायर। तो ऐसे में वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और वही टॉर्क के चलते डिफ्लेक्शन हम ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे अभी हमने कहा है कि ये सस्पेंडेड टाइप, ठीक है, सस्पेंडेड क्वाइल है। और यहां पर क्वाइल सस्पेंडेड है तो दैट इज द फास्फोरस ब्रांच, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं दैट इज फास्फोरस ब्रांच स्ट्रिप, फास्फोरस ब्रांच स्ट्रिप। और अरेंजमेंट क्या है, इज द एंड टर्म्स ऑफ द क्वाइल, क्वाइल क्या है, एंड टर्म्स तक है। एंड ये क्वाइल किसके ऊपर में लगा हुआ है, तो नॉन मेटेलिक फ्रेम लगा हुआ है, नॉन मेटेलिक फ्रेम पे ये अरेंज है क्वाइल। क्वाइल को मान लो ये हमने लिया और इसके ऊपर क्वाइल ऐसे करके अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन मेटेलिक फ्रेम है, लेकिन इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन में इंसर्टेड है, सॉफ्ट आयरन इज इंसर्टेड, ये देख रहे हैं सॉफ्ट आयरन इसके अंदर है, मैंने मेटेलिक कवरेज के अंदर में सॉफ्ट आयरन रखा हुआ है। तो ये अरेंजमेंट आप देख रहे हो और यहां पे स्प्रिंग है, ठीक है, क्वाइल। तो आप देखें अब जैसे ही यहां पर करंट मूव करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्मल टू दैट शो करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख रहे हो, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहां पे क्वाइल मूव कर जाएगा, दैट क्वाइल विल ट्विस्ट एंड दिस विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पोजिशन। तो ऐसे में यहां पे दिस इज द क्वाइल, ये क्या है, यहां पे ये क्वाइल है, दिस इज द क्वाइल, हम कह सकते हैं क्वाइल या आर्मेचर भी बोल सकते हैं, आर्मेचर। और ये स्प्रिंग है जो डिफ्लेक्ट करता है, लाइट स्प्रिंग, दिस इज द लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के ले सकते हैं, दिस इज द लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के रूप में आप स्प्रिंग कांस्टेंट ले रहे हैं। तो ये लाइट स्प्रिंग है जो रोटेट करेगा और इट विल प्रोड्यूस द रेस्टोरिंग टॉर्क और काउंटर टॉर्क टू दैट ऑफ द, दैट इज द क्वाइल विल शो द टॉर्क, जो टर्निंग ऑफ क्वाइल मूव कर रहा है उसके अगेंस्ट में स्प्रिंग भी एक टॉर्क डेवलप करेगा, दैट इज द रेस्टोरिंग टॉर्क और काउंटर टॉर्क दैट। एंड देयर इज द डिफ्लेक्टिंग ऑफ दिस स्प्रिंग, को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा विल रिप्रेजेंट द डिफ्लेक्शन, यहां पर हो गया डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्टिंग एंगल, अल्फा इज द डिफ्लेक्टिंग एंगल। जैसे क्वाइल मूव करेगा स्प्रिंग भी उसके साथ साथ टर्न करेगा, तो ये जो टर्न करेगा दैट मीन्स देयर इज सम एंगल विल बी चेंज एंड दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग एंगल। तो ये तो कंस्ट्रक्शन में आपने देखा। और एक यहां पर ये मिरर है, यहां पर लगा हुआ प्लेन मिरर, शाइनिंग ब्राइट प्लेन मिरर कह सकते हैं यहां पर, कि दैट इज द प्लेन मिरर, जनरली प्लेन सर्कुलर मिरर, ये प्लेन सर्कुलर मिरर है और शाइनिंग है, ब्राइट है। तो ऐसे में यहां पे स्प्रिंग लगा हुआ है और ये स्प्रिंग निडिल को दोनों तरफ, क्योंकि हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर, या अगर मान लो इसको गैल्वेनोमीटर लिए, दिस इज द यहां पे क्वाइल किया हुआ रहेगा और ये रीडिंग आप यहां पे सेंटर पे जीरो, और दोनों तरफ अगर इधर डिफ्लेक्शन दे रहा है और या इधर डिफ्लेक्शन देगा, दोनों तरफ डिफ्लेक्शन आपके पास आएगा,
ठीक है। और ये हम लोग देखेंगे इस जगह पे भी देख सकते हैं और इसके साथ एक कनेक्टेड कंडीशन पे भी देख सकते हैं, एंड दैट इज द अरेंजमेंट नोन एज द लैम्प स्केल अरेंजमेंट। ये क्या हो गया, लैम्प स्केल पूरा दिया हुआ है, इसको स्केल कर देंगे अरेंजमेंट। और ब्राइट स्पॉट जहां पर भी ये पूरा लीनियर अरेंजमेंट में भी हम देख सकते हैं, इसको लीनियर अरेंजमेंट में भी देख सकते हैं। तो यहां पर भी मिरर लगा हुआ है और ये ब्राइट रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्राइट स्पॉट दे रहा है, ब्राइट स्पॉट यहां पे ब्राइट स्पॉट दे रहा है, एंड दैट विल शो द रीडिंग। ठीक है, सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द मूविंग वायर गैल्वेनोमीटर, हमने पढ़ा है पहले से। अब यहां देखो क्या पढ़े हैं कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मान लो हमने यहां लिया करंट आई, एंड दैट करंट आई इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऐसे में अब फ्लेमिंग्स रूल तो आप फॉलो कर ही रहे, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट डाउनवर्ड हो गया, फोर्स किधर हो गया, बाहर हो गया, इधर उलट गए तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हैं, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, और फोर्स क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। तो क्या हुआ यहां पे, ये टर्न कर गया, ट्विस्ट कर गया, टर्निंग हो गया, टॉर्क बन गया, ड्यू टू द कपल ऑफ द फोर्स, कपल ऑफ द फोर्स जो यहां पर एक्ट कर रहा है अपोजिट इन नेचर। तो ऐसे में ये पूरा अरेंजमेंट आपने या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखे, करेंट को हम यहां से दे रहे हैं T1 और T2 आपका बना हुआ है, ये देखो ये हो गया T2 और यहां हो गया T1, दैट इज द टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। तो करंट यहां से पास करेगा स्प्रिंग से और ऐसा अरेंजमेंट आपको मिलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल प्रोवाइड ए कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड इज क्या है, परपेंडिकुलर टू द करंट, करंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और इसलिए हम लोग यहां पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, एंड दैट इज द परमानेंट एंड स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द होल कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। क्या क्या बात हम लोग जाने पहले, तो गैल्वेनोमीटर डीसी गैल्वेनोमीटर जो आपने दो तरह का देखा, मूविंग वायर गैल्वेनोमीटर एंड मूविंग मैग्नेटिक मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। तो मैग्नेट हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग मूविंग वायर गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे। दूसरा बात आप क्या देखें, इट इज बेस्ड ऑन द टॉर्क, मींस द प्रिंसिपल इट एक्सपीरियंसेस द टॉर्क व्हेनेवर द करंट बिकम परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और व्हेनेवर द करंट कंडक्टर आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, करंट लूप आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, करंट क्वाइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे भी समझो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और वही प्रिंसिपल है जिस पे ये मूविंग वायर गैल्वेनोमीटर बेस्ड है। देखो यहां पे हमने इसको बताया है कि क्या ये रेडियल कंपोनेंट अगर आप लेते हो, टॉप व्यू कंसीडर करो, जैसे मान लो ये टॉप व्यू है तो ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। टॉप व्यू अगर हम कंसीडर करते हैं तो ऐसे में ये आर्मेचर हो गया, और आर्मेचर का मैग्नेटिक लाइन हमेशा इसके परपेंडिकुलर, जो करंट मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर दिखेगा। तो ऐसे में आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं और टर्निंग आपको मिल रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, और एवरीवेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यहां पे दिखाने का मतलब क्या है कि दैट मैग्नेटिक फील्ड जो आप नॉर्थ एंड साउथ लिए, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज इक्वल टू यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बनाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है रेडियल कॉम्पोनेंट, इसलिए हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। और एक और बात कर रहे हैं कि जब हम इस क्वाइल को मूव करा रहे हैं तो ऐसे में स्प्रिंग भी मूव कर रहा है, एंड स्प्रिंग धीरे धीरे मूव करते करते टाइट कवर कर लेगा, तो जैसे ही आप करंट ऑफ करेंगे या फिर वो वापस रिटर्न करेगा, एंड दैट विल शो द डिफ्लेक्टिंग एंगल, दैट विल शो द रेस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग बात करें थ्योरी का, डिफ्लेक्शन थ्योरी क्या बात करते हैं। देखो प्रिंसिपल का प्रिंसिपल आपने पढ़ा जाना, अभी थ्योरी, थ्योरी क्या कह रहा है, किस पे ये वर्क कर रहा है, दैट इज थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो आपने यहां पे कॉइल में टॉर्क डेवलप किया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के चलते स्प्रिंग भी अपने एंगल में डिफ्लेक्ट किया, मींस यहां पर भी एक रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप किया, या काउंटर टॉर्क भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों टॉर्क बराबर है, इक्वल होगा, सो ऐसे में रिलेशन हमारे पास आ गया, दैट इज द डिफ्लेक्टिंग
टॉर्क इज इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क। इसी रेस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज काउंटर टॉर्क, काउंटर टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क बोलिए या काउंटर टॉर्क बोलिए। अब देखो यहां पे ये मान लो अरेंजमेंट को हम बात कर रहे हैं, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया आपको एन टर्न्स ऑफ द क्वाइल आपने कंसीडर किया, एन टर्न्स ऑफ द क्वाइल है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स इज द एन। सो टॉर्क डिफ्लेक्ट, दैट इज द टॉर्क डिफ्लेक्टिंग जो हम देख रहे हैं, ये आपका हो गया दैट इज द एन आई ए बी, साइन थीटा और साइन थीटा दोनों के बीच में करंट आ रहा है, डिफरेंट में क्या है साइन थीटा एंड दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आप रिफ्लेक्टिंग माने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ले रहे हैं, और रेस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, तो अल्फा यहां पे डिफ्लेक्ट कर रहा है और के क्या स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट ऑफ द अल्फा एंड द के दैट विल गिव द काउंटर टॉर्क या रेस्टोरिंग टॉर्क। तो टॉर्क दैट इज रेस्टोरिंग इज इक्वल टू अल्फा इनटू के अल्फा भी लिख सकते हैं, दैट इज के अल्फा। अब ये दोनों रिलेशन हमारे पास अभी हमने लिखा है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू द रेस्टोरिंग टॉर्क, तो अब इसी बात को हम यहां लिख सकते हैं कि के अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, या ऐसे करो एन आई एन आई ए बी साइन 90 दैट इज 1 इज इक्वल टू के अल्फा, और यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया आई दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई आई की जगह पे आ गया के अल्फा बाय नीचे हो गया एन ए बी एंड दिस इज द रिलेशन। अब यहां पर हम सारे रिलेशन को ले रहे हैं, ये बात देखो यहां पे लिख रहे हैं दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू दिस मच, तो ऊपर मिटा रहे हैं इसको, ये यहां पर देखो अब ये हो गया आई करंट इज इक्वल टू जी अल्फा, वेयर जी इज द कांस्टेंट नोन एज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है, वेयर जी इज द गैल्वेनोमीटर मीटर कांस्टेंट। सो ये क्या हो गया, जी इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और यहां पे जी का वैल्यू भी आप लिख सकते हो दैट द वैल्यू ऑफ द जी इज द कितना आ जाएगा, तो जी का वैल्यू आप लिख रहे हैं के बाय एन ए बी, ठीक है। अब ये करंट कितना, और एक नोटिस किए इक्वेशन वन और इक्वेशन रिलेशन टू को देखते हुए कि दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, ये भी आपको मिल रहा है कि करंट किस पे डिपेंड करता है, दैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रॉम इक्वेशन वन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा दैट इज दैट रिफ्लेक्टिंग एंगल, इसको क्या बोले डिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ द जो स्प्रिंग में आप देख रहे हैं। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, थ्योरी पार्ट हो गया। अब दो बात आती है कि कितना सेंसेटिव है, अब मान लो कोई डिवाइस आप लेते हो और 1 एम्पियर करंट अगर 1 मिली एम्पियर आप दे रहे हैं तो वो पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन दे रहा है, और कभी कभी क्या होता है या फिर दूसरा मशीन देखें उसमें थोड़ा डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब फॉर द सेम करंट ऑफ 1 एम्पियर वन विल शो द ग्रेटर डिफ्लेक्शन हैव द मोर सेंसिटिविटी। तो यहां पर वर्ड आ जा रहा है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आप देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं करंट सेंसिटिविटी क्या है, करंट सेंसिटिविटी ये रिलेशन हमने देखा, द करंट सेंसिटिविटी इज द करंट सेंसिटिविटी, नाउ दैट इज द करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस यहां पर बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट, प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू
इट. तो पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट, दैट मींस करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू, अब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, डिफ्लेक्शन क्या है अल्फा, प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, और करंट आपने क्या लिया हुआ है आई करंट. अब आई का वैल्यू यहां लिखे हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट ये इक्वेशन आपने आई का लिया हुआ है तो आई का वैल्यू यहां रख दिए तो दैट इज करंट सेंसिटिविटी अल्फा इज बाय द करंट हो गया यहां के अल्फा और ऊपर चलाया एन बी ए बी. सो अल्फा अल्फा कैंसिल, सो करंट सेंसिटिविटी दैट इज द करंट सेंसिटिविटी दैट इक्वल टू यहां पे कितना आ गया एन ए बी बाय के. तो ये रिलेशन हमको मिल रहा है एन ए बी बाय के और ये हम लोग बोल सकते हैं कि दैट मींस द करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स अपॉन किन किन बातों पे डिपेंड करता है दैट करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द टर्न. जितना नंबर टर्न्स आप बढ़ा रहे हैं कॉइल का उतना सेंसिटिविटी भी लार्ज हो रहा है इंक्रीज कर रहा है. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लूप दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल. ये क्या हो गया नंबर ऑफ टर्न्स और यहां क्या हुआ एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, कॉइल के एरिया पे करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फिर क्या लिख रहे हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लिए हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे फील्ड अगर इंक्रीज करेगा तो करंट सेंसिटिविटी भी इंक्रीज करेगा. तो ऐसे में भी ये भी देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किए और फिर बाय के मींस द स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट. तो करंट सेंसिटिविटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है ये हम लोग निकाले इस रिलेशन से. अब एक और टर्म आता है दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो करंट यहां हटा दे रहे और वोल्टेज सेंसिटिविटी देख रहे हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी दैट इज ऑल्सो द डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट. करंट के जगह क्या हो जाएगा पर यूनिट अप्लाइड वोल्टेज थ्रू दैट क्वाइल, पर यूनिट अप्लाइड वोल्टेज, पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड थ्रू इट, अप्लाइड थ्रू इट. तो यहां पर जो इतना वोल्टेज आप लगा रहे हैं तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया इन प्लेस ऑफ द करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल आप करंट की जगह यहां पर ठीक कर देंगे. तो रिलेशन ये सारा आप देख रहे हैं पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है एक रिलेशन और आ जाएगा दैट इज द V इज इक्वल टू आई आर. ठीक है तो अल्फा इज इक्वल टू आई इन टू आर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल और द कंडक्टर. तो ऐसे में अब वोल्टेज सेंसिटिविटी में फिर करंट का वैल्यू आप यहां रख दिए दैट इज इक्वल टू करंट का वैल्यू रखें एक आर आप यहां पे ऐड कर दिए वोल्टेज सेंसिटिविटी आर पे डिपेंड करता है. तो जब हम वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी इन सभी फैक्टर के साथ और आर भी आ गया इसका हमने रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल भी फैक्टर है दैट इज द डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल और ए कंडक्टर ऑफ द कॉइल. ठीक है तो मटेरियल ऑफ द कॉइल जो भी आप ले रहे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है.
तो ये रिलेशन हमको बता रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कितना होगा। अब देखो ये सभी बात हम लोग जाने, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दैट इज द रीड वेरी स्मॉल करेंट ऑफ मिली एम्पियर एंड वेरी स्मॉल करेंट, अगर हमको एम्पियर में देखना है तो फिर हमको इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा दैट विद द हेल्प ऑफ शंट एंड टू मेक ए आम मीटर, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड लक।